हेलो लर्नर्स एंड वेलकम टू इंडियाज लार्जेस्ट डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। मैं हूं शैलेश वैद्य और आज थोड़ा अपन लोग बात करने वाले हैं एक थर्मोडायनेमिक्स के बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक में। जैसा कि आप लोग यहां पे पढ़ सकते हैं, सर विच प्रोसेस कर्व हैज मोर स्लोप ऑन द पीवी डायग्राम, आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबेटिक प्रोसेस। मतलब पीवी डायग्राम पे कौन से प्रोसेस का स्लोप ज्यादा होगा। सो अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को इस चीज को डिराइव करके दूं, बहुत प्यारी सी चीज है। एंड बच्चा ये एग्जाम में इतनी बार आई है ना कि आप लोग मानोगे, बहुत बार आई है। मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस अगर मैं यहां पे लिखता हूं तो स्लोप क्या होता है बच्चा, हमेशा याद रखिए, स्लोप जो होता है इट इज ऑलवेज द वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट अपॉन द एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट फॉर अ गिवन प्रोसेस फॉर अ गिवन लाइन। समझ में आया। अब यहां पे अपन लोग बात करें पीवी डायग्राम पे, तो यहां पे स्लोप क्या हो जाएगा, ये डी वाई बाई डी एक्स होता है, मतलब वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। तो यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा सर, डी पी बाई डी वी। तो स्लोप क्या हो जाएगा सर, डी पी बाई डी वी। सो फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस अपने को पता है कि पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, होता है कि नहीं। फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो अगर मैं डिफ्रेंसिएशन करूं तो यहाँ पे लगेगा डिफ्रेंसिएशन का यूवी रूल, मतलब पी एज इट इज और डिफ्रेंसिएशन ऑफ वी, ये हो गया डी वी, प्लस वी एज इट इज और डिफरेंशिएशन ऑफ पी डी पी, और कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा होता है जीरो। तो अब अगर मैं यहां से चीजों को सिंप्लीफाई करूं तो ये कितना हो जाएगा सर, पी डी वी विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ वी डी पी, पी डी वी विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ वी डी पी। सो स्लोप जो बनेगा फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस डी पी अपॉन डी वी विल बी माइनस ऑफ पी अपॉन वी। याद रखिए द स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस ऑन द पीवी डायग्राम इज माइनस ऑफ पी अपॉन वी। सिमिलरली बात करें अगर एडियाबेटिक प्रोसेस के बारे में, एडियाबेटिक प्रोसेस की गवर्निंग इक्वेशन क्या है, एडियाबेटिक प्रोसेस की इक्वेशन जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, इट इज पी वी रेस टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। अब यहाँ पे थोड़ा डिफरेंशिएशन अगर आप देखो तो एक्स रेस टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, एन एक्स रेस टू दी पावर एन माइनस वन, एन आगे आ गया, एक्स रेस टू दी पावर एन माइनस वन। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन का यू वी रूल लगेगा सर। फर्स्ट ऑफ ऑल पी एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ वी रेस टू दी पावर गामा प्लस वी रेस टू दी पावर गामा एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ पी, तो ये हो गया डी पी और कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन हो गया जीरो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पी एंड डिफरेंशिएशन ऑफ वी विल बी गामा इंटू वी रेस टू दी पावर गामा माइनस वन, डी वी रहेगा यहाँ पे प्लस वी रेस टू दी पावर गामा डी पी इज इक्वल्स टू जीरो। सो यहाँ पे अगर इस इक्वेशन को उस तरफ जाने दे, मैं इसी स्टेप में कर देता हूँ थोड़ा जगह की कमी होने की वजह से, तो अगर ये आर एच एस में चला जाएगा तो ये हो जाएगा बच्चा लोग माइनस ऑफ वी रेस टू दी पावर गामा अपॉन डी पी। अब मैं थोड़ी देर के लिए अपनी जगह को बदल लूँ, हम इधर आ गए क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस अभी आप लोगों को देखने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे अगर इसको सिंप्लीफाई करें, सो देखिए ध्यान से बच्चा, यहां पे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखिए वी रेस टू दी पावर गामा एंड वी रेस टू दी पावर माइनस वन। तो वी रेस टू दी पावर गामा, वी रेस टू दी पावर गामा को कर दो कैंसिल, समझ में आया, वी रेस टू दी पावर गामा एंड वी इंटू मल्टीप्लाइड बाय वी रेस टू दी पावर माइनस वन कर दिया सर, बहुत आसानी से इसको कैंसिल आउट कर दिया, बहुत इजीली इसको कैंसिल आउट कर दिया। तो अब बच क्या रहा है अपने पास, अगर मैं डी पी अपॉन डी वी लिखूं, इफ आई राइट द स्लोप ऑफ आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, तो अपने पास बचेगा सर माइनस ऑफ गामा टाइम्स पी अपॉन वी, माइनस ऑफ गामा टाइम्स पी अपॉन वी। तो अगर आप लोग ध्यान से देख रहे हो, व्हाट वाज द स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस ऑन द पीवी डायग्राम, व्हाट वाज द स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस ऑन द पीवी डायग्राम, ये देखिए आप लोगों का, द स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस ऑन द पीवी डायग्राम वॉज माइनस ऑफ पी अपॉन वी, एंड स्लोप ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस इज माइनस ऑफ गामा टाइम्स पी अपॉन वी। किसका स्लोप ज्यादा सर, आइसोथर्मल का ज्यादा, किसका स्लोप ज्यादा सर, आइसोथर्मल का ज्यादा। तो अगर मैं प्लॉट करूं बच्चा इसको, अगर मैं पीवी डायग्राम पे इसको प्लॉट करूं, अगर मैं पीवी डायग्राम पे इसको प्लॉट करूं, अगर मैं पीवी डायग्राम पे इसको प्लॉट करूं, सो ये हो जाएगा आप लोगों का प्रेशर ऑन द वाई एक्सिस, वॉल्यूम ऑन द एक्स एक्सिस, एंड एक इनिशियल रेफरेंस के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं, इसको डॉटेड कर देते हैं। अगर इतने धमाकेदार तरीके से पढ़ना है तो आप आ जाइए ऑन द अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म, क्योंकि ये चीजें मैंने इतनी डिटेल में पढ़ाई है कि बच्चों की कभी गलती ही नहीं हो सकती। तो बच्चा अगर मैं यहां से बनाना शुरू करूं, सबसे पहले आप लोगों का
आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस कुछ ऐसे बनेगा जिसका स्लोप है माइनस ऑफ, मैं रेड से ही लिख देता हूं, माइनस ऑफ पी अपॉन बी। ये माइनस बी क्यों आ रहा है वो भी मैं बताता हूं। दिस इज फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। एंड अगर मैं बात करूं एडियाबेटिक प्रोसेस की, तो एडियाबेटिक प्रोसेस का स्लोप उससे ज्यादा बड़ा होगा, स्लोप उससे ज्यादा होगा। अगर मैं ये स्लोप को मार्क करूं तो दिस विल बी माइनस ऑफ गामा टाइम्स पी अपॉन वी। बच्चा तो ये देखिए, दिस इज फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। तो यहां से एक कंक्लूजन बनता है दैट सर द स्लोप ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस, द स्लोप ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस इज गामा टाइम्स मोर देन द स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, इज गामा टाइम्स मोर देन द स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। एंड बच्चा वन मोर थिंग, यहां पे नेगेटिव जो होता है स्लोप वो क्या रिप्रेजेंट करता है, हम थोड़ी देर के लिए यहां आ जाए, ठीक है। नेगेटिव स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, लेट मी शो यू। तो स्लोप अपन लोगों ने क्या बोला सर, इट इज डो पी बाय डो बी, मतलब ये है पी टू माइनस पी वन अपॉन वी टू माइनस वी वन, पी टू माइनस पी वन अपॉन वी टू माइनस वी वन। तो बच्चा अगर यहाँ पे आप लोग देखो कि अगर ये स्लोप नेगेटिव है, मतलब या तो आपका पी टू माइनस पी वन नेगेटिव है या तो आपका वी टू माइनस वी वन नेगेटिव है, या तो आप लोगों का पी टू माइनस पी वन नेगेटिव है या तो आपका वी टू माइनस वी वन नेगेटिव है। तो यहाँ पे एक क्वांटिटी शुड बी नेगेटिव, तभी ये स्लोप नेगेटिव आएगा। तो इसका मतलब बच्चा है क्या, इफ वन क्वांटिटी इज इंक्रीजिंग देन द अदर इज डिक्रीजिंग। अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम कम हो रहा है, और अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर कम हो रहा है। एंड आइसोथर्मल प्रोसेस की एक खासियत है, अगर आपके पास है आइसोथर्मल हीट एडिशन प्रोसेस, आइसोथर्मल हीट एडिशन प्रोसेस को अपन लोग अज्यूम करते हैं और यू कैन से अप्रोक्सीमेट करते हैं आइसोथर्मल एक्सपांशन प्रोसेस की तरह। आइसोथर्मल हीट एडिशन आइसोथर्मल एक्सपांशन की तरह है, और इसी की वजह से आइसोथर्मल हीट एडिशन पे ये जो डायग्राम है दिस इज ऑफ एक्सपांशन। तो एक्सपांशन में हीट ऐड होने की वजह से वॉल्यूम बढ़ती है, प्रेशर घटता है, वॉल्यूम बढ़ी प्रेशर घटा, इस वजह से स्लोप नेगेटिव है। तो इस कंसेप्ट को अगर आप लोगों को और डिटेल में पढ़ना है तो आ जाइए ऑन दी अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म यूजिंग माई कोड वैद्य 10, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स बहुत धमाकेदार तरीके से चल रहा है, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स बहुत धमाकेदार तरीके से चल रहा है। एक बात आप लोगों को याद रखनी है कि थर्मोडायनेमिक्स मैंने इतना डिटेल में पढ़ाया है कि आप लोगों को एक एक कंसेप्ट बहुत प्यार से समझ में आएगा। नियरली 4 आवर्स मैंने आप लोगों को डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस के बारे में बात करी है, 4 घंटे खाली और खाली थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेसेस के बारे में। कैन यू बिलीव, 4 घंटे खाली थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेसेस के बारे में बात करी है। सो विद दिस यहां पे आप लोगों को मौका मिल सकता है टू बी द पार्ट ऑफ अन अकेडमी यूजिंग माई कोड वैद्य 10 टू ज्वाइन अवर एक्सक्लूसिव बैच फॉर अक्टूबर 2023 एग्जामिनेशन। अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द क्लासेस एंड बैचेस, एक्सेस टू क्लास पीडीएफ, वैद्य 10 लगाओ और आ जाओ। यू कैन लर्न फ्रॉम इंडिया टॉप एजुकेटर ऑन टू योर स्क्रीन एंड सेव अप टू 20% ऑन स्टूडेंट डिमांड। दिस इज लिमिटेड पीरियड ऑफर एक्सटेंडेड टू 21st ऑफ फेब्रुवरी। सो वैद्य 10 लगाओ और जल्दी से आ जाओ। थैंक यू एवरीवन।